नमस्कार, आज की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं संजना सिंह और आज के न्यूज बुलेटिन में आप देखेंगे बांके बिहारी समेत यूपी की 15 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। देशों की यात्रा कर आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी ताजमहल पहुंच गई, जहां एक घंटे फोटोशूट चला। आपको बता दें कि 12 साल बाद आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत में होगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास बस्ती पर बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने डिमोलिशन न करते हुए 10 दिनों तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास बिल्डिंग हादसे में अब तक 5 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल से बुधवार सुबह 2 दिन का बच्चा चोरी हो गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। बरेली में एक दंपति ने अपने पालतू कुत्तों का जन्मदिन मनाया। उन्होंने दोनों कुत्तों को नए कपड़े पहनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, थाली में केक के साथ बांटने के लिए लड्डू इमरती भी मंगाई गई। स्मोकिंग और शराब पीने वाले लोगों में पाइल्स की बीमारी हो रही है। GSVM मेडिकल कॉलेज में हुए रिसर्च में ये बात सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर लोक भवन में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। गाजीपुर में कबड्डी खेलने के दौरान खिलाड़ी की फील्ड पर गिरने से मौत हो गई। हादसे को लेकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सुल्तानपुर में अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद उर्फ पप्पू और फरार अन्य आरोपियों पर ADG जोन ने 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जौनपुर में 6 लड़कों ने एक दलित लड़की के साथ दरिंदगी की। घटना सोमवार रात यानी 14 अगस्त की है और इसका वीडियो बुधवार को सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। आगरा में बाइक सवार हमलावरों ने घर के सामने भाजपा नेता को गोली मार दी, इसके बाद वो फरार हो गए। फिलहाल भाजपा नेता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ में ट्रांसफार्मर के पास टूटकर गिरे हाई टेंशन तार की चपेट में आकर मां बेटे की मौत हो गई। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही दोनों के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। मेरठ में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक मां का नवजात शिशु मिलने पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे LNT के सुपरवाइजर ने बच्ची को गोद लिया। प्रयागराज में एक मदरसे में कार्यक्रम के दौरान मेज पर तिरंगा जैसा कपड़ा लगाकर उस पर भोजन और खाने पीने की सामग्री बांटी गई। इसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों में रोष फैल गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा में पुलिस ने पिछले 1.5 माह में सर्विलांस की मदद से 111 मोबाइलों को बरामद किया। DCP सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि बरामद मोबाइल की कीमत करीब 22,65,000 रुपए है। 16 अगस्त के न्यूज ब्रीफ में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन की नई खबरों के साथ। धन्यवाद।